हाय, मैं हूँ गौतमी। गौतमी रेसिपी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए हेल्दी और डिलीशियस रेसिपी लेके आई हूँ। तो दोस्तों, मानसून में सस्ते मिलने वाले ये अरबी के पत्ते जो है बहुत ही सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं। तो दोस्तों, अरबी के पत्तों के जो है आज मैं आपको कुछ फ़ायदे बताने वाली हूँ और कुछ रेसिपी बनाने की ट्रिक भी बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो बिना स्किप किए ज़रूर एंड तक देखते रहना, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ सके। जब भी आप मार्केट में जाकर अरबी के पत्ते परचेस करते हो तो इस तरह से जो है इसका डंठल जो है ब्राउन कलर का होता है, उसी के पत्ते जो आपको खरीदने होते हैं। और बहुत सारे पत्तों का जो डंठल जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, वो खाने लायक नहीं होते हैं। तो डंठल को देखिए, इस तरह से चाकू के मदद से जो है चीर लेना है और निकाल देना है। क्योंकि क्या होता है कि ये जो डंठल होता है, अगर आप इसी के साथ काटेंगे तो हम इसकी वड़ी जब बनाएंगे या फिर कोई भी रेसिपी बनाते हो तो ये खाने के बाद जो है गले में खिचखिच होती है। तो बेटर होगा कि इसका जो पार्ट है वो डंठल वाला वो हटा दे। और इस तरीके से हमने सारे पत्ते जो है एक तरफ से मोट लिए हैं और थोड़ा सा रोल करते हुए इसको घुमाकर इस तरह से बड़ा रोल करेंगे, और एक नाइफ लेंगे, उसके मदद से इस तरह से इसको काट देंगे स्लाइसेस में। बहुत ही आसान और इजी तरीके से मैं आपको ये रेसिपी आज बताने वाली हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी फॉलो करिए। ये जो अरबी के पत्ते हमने काट लिए हैं और इसको अच्छे तरीके से दो पानी से मैं वॉश करके लेने वाली हूँ, जो भी गंदगी है वो निकल जाएगी। तो एक प्लेट में मैं इसको लेने वाली हूँ। अरबी के पत्ते में जो है बेसन का आटा लगाकर रोल बनाकर उसके स्लाइसेस कट करके फ्राई किए जाते हैं। वो भी रेसिपी मेरे पास मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, वो आप जाकर चेक कर सकते हो, उसकी भी विधि आपको पता चल जाएगी। मिक्सर का जार लिया है, उसमें मैंने यहाँ पर लिया है लहसुन, अदरक और 4 से 5 क्वांटिटी में हरी मिर्च ली है। इसको अच्छे तरीके से स्मूथ ऐसा पेस्ट बना लेना है। साथ ही में मैंने यहाँ पर जो है चने का आटा लिया है। 6-7 पत्तों के लिए मैंने यहाँ पर लगभग बेसन का आटा इस्तेमाल किया है 1/2 किलो। 250 ग्राम के करीबन मैंने यहाँ पर चने का आटा इस्तेमाल किया है। हम ऐड करेंगे जीरा। जीरा मैंने यहाँ पर लगभग 1 से आधा चम्मच लेना है। इसको थोड़े हल्के हाथों से मैश करके इसमें ऐड करना है, ताकि जो भी स्वाद है वो इसमें सब में मिल जाए। साथ ही में मैंने जो पेस्ट बनाया था अदरक लहसुन और हरी मिर्च का, वो इसमें सारा ऐड कर दिया है। इसी की वजह से हमारी जो वड़ी है बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनने वाली है। लगभग यहाँ पर मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, और साथ ही में मैंने 1/2 चम्मच जो है नमक का इस्तेमाल किया है। नींबू मैंने लिया है 1/2, जो कि सारा हमें इसमें निचोड़ देना है। अगर आपके पास नींबू अवेलेबल नहीं है तो इमली जो होती है, इमली का घोल भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। थोड़ा पानी में भिगोने के लिए रख दे और उसका घोल बनाकर इसमें ऐड कर दे, ताकि हम जो वड़ी बनाते हैं उसके बाद में इसका टेस्ट जो है थोड़ा सा खट्टा आता है, तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगता है खाने में। हल्के हाथों से इसको अच्छे तरीके से मिला लेना है। मैंने इस पर थोड़ा सा भी पानी ऐड नहीं किया है, तो हमने जो मसाले ऐड किया है और नमक ऐड किया है, थोड़ा सा हमने इसको अच्छे तरीके से वॉश किया था, तो इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है, तो इसके लिए जो है आटा इसमें अच्छे तरीके से मिल गया है। तो अगर आपको क्वांटिटी आटे की ज़्यादा लगती है तो थोड़ा सा आप इसमें पानी मिला दें। मुझे यह थोड़ा सा बेस पतला लग रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा और इसमें आटा डाल दिया है। खास करके बिगिनर्स अगर इस तरह से वड़ी बनाएंगे तो बहुत ही आसान होगा आपके लिए ये वड़ी बनाना। और अगर आप एक बार इस तरह से वड़ी बनाओगे तो बार बार ये बनाने लग जाओगे, क्योंकि बहुत ही सरल और सादी तरह से ये रेसिपी मैंने बताई है और इंस्टेंट बनने वाली रेसिपी है। तो इस तरीके से बहुत ही आसान और ईजी तरीके से मैंने आपको ये ट्रिक बताई है, स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉलो करिए। तो इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे होनी चाहिए। तो बैटर हमारा तैयार हो चुका है, तब तक हम लेते हैं एक कुकर का डब्बा लिया है मैंने। कुकर के डिब्बे में अच्छे तरीके से ऑयलिंग कर लेनी है, हाथों से ही ग्रीसिंग किया है मैंने, और जो बेस हमने बनाया था इसमें इस तरह से ऐड करते जाना है। बाद में हाथ अच्छे से धोने के बाद थोड़ा सा हाथों को गीला करके इसको अच्छे तरीके से फैला ले, या फिर आप चम्मच की मदद से भी कर सकते हो, लेकिन चम्मच से इतना परफेक्टली नहीं होता है, तो हाथों से ही करेंगे तो बेटर होगा। तो अच्छे तरीके से कोने कोने में ये आटा जाकर परमानेंटली बैठेगा। तो अब इसमें ऊपर से हम तिल डालने वाले हैं। आपके पास अगर तिल नहीं है अवेलेबल तो कोई बात नहीं है, मत डालिएगा इसके ऊपर। बाद में आप गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा जो कोकोनट होता है वो कद्दूकस कर सकते हो। अरबी के पत्ते खाने का ये फ़ायदा होता है कि ये ब्लड प्रेशर जो है मेंटेन करने के लिए काम आते हैं। अरबी के पत्तों में जो है ज़्यादातर एंटी हाइपरटेंसिव की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसके वजह से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर मेंटेन होने में काम आता है। वैसे ही ये वेट लॉस के लिए भी ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसके फ़ायदा ये है कि दिल के लिए, सेहत के लिए, इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है।
तो ये जो है मानसून के मौसम में सस्ता मिलता है। बारिश के मौसम में जो है ज़्यादातर ये पाया जाने वाला अरवी का पत्ता सेहत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो अरवी के गट्टे होते हैं ये, वो भी आप घर में जो है आलू की तरह सब्जी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हो रोज़ के खाने में, वो उससे भी बहुत सारे गुण और फ़ायदे होते हैं। और जैसे कि पुराने लोग कहते हैं कि अरवी के पत्तों का अगर रेसिपी या फिर कुछ भी वड़ी या फिर सब्जी बनाकर सब फैमिली के साथ मिलकर खाओगे तो ये अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो इस तरह से प्रेशर कुकर में मैंने डायरेक्टली इसको स्टीम किया है। जैसे कि हम दाल उबालने के लिए रख देते हैं तो ऊपर से एक डिब्बा जो है इसका रख देंगे और लगभग 2 से 3 सीटी होने तक इसको स्टीम होने देंगे। स्टीम होने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी आ जाता है, वो पानी निकालना है और इसके बाद थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए ठंडा करना है। स्लाइसेस में इसे बड़ी कट करनी है। फ्लेम ऑन कर दिया है, वैसे मैंने रख दी है कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने जितना हमें वड़ी तलनी है उस हिसाब से तेल ऐड कर दिया है और तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो एक एक करके हम इसमें वड़ी डिप करेंगे। तो दोस्तों वड़ी तो हमारी बन चुकी है, लेकिन अगर इसको ऊपर से क्रिस्पी करना है और अंदर से थोड़ा सा हल्का सॉफ्ट रखना है तो इसको फ्राई करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप ये स्टीम करके भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप ज़रूर घर पे ट्राई करना। तो दोस्तों महाराष्ट्र में इसे लगभग इसी तरह से बनाया जाता है। स्टीम करने के बाद इसको थोड़ा सा फ्राई किया जाता है ताकि ये ऊपर से थोड़ा क्रिस्पी बने और अंदर से थोड़ा सा सॉफ्ट रहे, तो इसका खाने का जो मज़ा है कुछ और ही होता है दोस्तों। तो इस तरीके से लगभग 5 मिनट का समय लगता है दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करने के लिए। हाई टू मीडियम फ्लेम के बीच में इसे पका लेना है अच्छे तरीके से। मराठी में इसे अड़ू वड़ी बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं इसे अरवी के पत्तों की वड़ी। तो बहुत ही आसान और टेस्टी बनने वाली ये रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई थी और मेरे अंदाज में लेके आई थी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो इसी तरह से आपको हर एक रेसिपी का नोटिफिकेशन आते रहेगा। तो आप देख सकते हो जिस तरह से मैंने आपको ये स्लाइसेस में कट करके इसकी वड़ी बनाई है, तो इसका ये तरीका था कि ये वड़ी बनाने के बाद इस तरह से जो टाइगर के शरीर के ऊपर जैसे लाइन होती है वैसे ये लाइन दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, देखिए किस तरह से ये जो है पत्ते अंदर से दिख रहे हैं। तो ठीक हमने बैटर बनाया था, लेकिन ठीक बनाने के बाद जो है ये फ्राई करेंगे तो फ्राई बनाने के बाद ये क्रिस्पी होने लगेंगे। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप ट्रिक और टिप्स जो है फॉलो करते हुए आप ये रेसिपी बनाएं और घर वालों के साथ इंजॉय करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।